अरे अनुकल बेटा, जरा मेरा चश्मा देना तो। हॉल में ही रह गए लगता है। थैंक्स। पता नहीं आजकल मुझे हो क्या गया है, जहां जाता हूं वहीं चश्मा भूल जाता हूं। और इनको पहने बगैर इनको ढूंढ भी तो नहीं सकता। अनुकल तने याद छे, जब तू छोटा था ना तब अक्सर मेरा चश्मा छुपा दिया करता था, और जब तक मैं तुझे चॉकलेट नहीं देता था तू उन्हें वापस नहीं। अच्छा लगा सुनकर पापा, ऐसा लगा कि जैसे बचपन के कुछ खोए पल अचानक से मुट्ठी में आ गए। अनुकल्प समझ गए सही, लेकिन मुझसे बात कीजिए पापा, मेरा अधूरापन कुछ कम हो जाएगा। मैंने देखा है पापा, दूसरे बच्चों को उनका बचपन जीते हो। पापा का दुलार, उनकी फटकार, उनके गालों पे पापा की उंगलियों के निशान, सब देखा है। लेकिन पापा कभी जी नहीं पाए। केला खड़ा खड़ा दिल घबरा जाता था मेरा, सोचता था कि जब अपने पापा से मिलूंगा तो पूरा दुलार, पूरा प्यार पालूंगा उनसे। मेरे बाकी सपनों की तरह ये सपना भी अधूरा रह गया। एक बात बताइए पापा, जो प्यार मुझे आपकी आंखों में दिखता है वो जुबान तक क्यों नहीं आ पाता? वो क्या है पापा जो जो आपको रोकता है? मैं नहीं जानता बेटा, हाँ लेकिन मन में गुस्सा है, नाराजगी है। समझ में नहीं आता तुमसे या अपने आप से। नहीं पापा, मुझे आपसे सफाई नहीं चाहिए। मैं पहले ही आपको बहुत परेशान कर चुका हूं, बहुत नहीं करना चाहता। मैं आज ही रामैया को लेकर यहां से चला जाऊंगा। मेरे साथ साथ रामैया ने भी आपको कितना हर्ट किया है पापा, वो सब कुछ अनजाने में हो। आप मेरे माता पिता, भगवान है आप मेरे, और अपने भगवान को दुख देने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। चलता हूं पापा।
बस अपने दिल की बात कहना चाहता था आपसे। कहती अब मैं जा सकता थी आपसे। इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। एक बार मुझे गले लगा लीजिए ठीक हो जाएगा। मत रोकिए मुझे अंबा जी। शायद मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। परेशान किया है मैंने सबको। आपको और पापा को अलग कर दिया मैंने। मैं आप दोनों को दूर दूर नहीं देख सकता, इसलिए मुझे जाने दीजिए। मेरे जाने के बाद आप पापा को मना लेना, उन्हें बोलना कि मैं उन्हें परेशान नहीं करूं। बस
अपना ख्याल रखना और मेरी अम्बा जी का भी। दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मेरे पास तुम्हें थैंक्स बोलने के अलावा और कुछ नहीं। हमेशा एक दूसरे का साथ देना, हमेशा खुश रहना। तो कह दूं, सबसे पहले ये खुशखबरी मैं बाप को सुनाऊंगी। रुको तुम दोनों, तेरा मोटा भाई ने कह, वो इस तरह यहां से नहीं जा सकता। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत तैयारियां करनी है। क्या देख रहा है? सुबह तूने ही अखबार पढ़ के कहा था ना मुझे कि आपके राशिफल में वो घर में मंगल कार्य होने की संभावना है। तो शादी तो करनी होगी ना। तो तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। और तुझे तो बस मेरी उम्र लग जाए। रम्या,
अपने होने वाले ससुर के पैर नहीं छूओगी तो? सॉरी आदित्य, मैं एक्चुअली समझ ही नहीं पाई कि अंकल ने हमारी शादी के लिए हाँ कह दी। और आपने बड़ों का आशीर्वाद ले ले। बस खुश रहो तुम दोनों। बापूजी आयुष्मान बाबू, सौभाग्यवती बाबू। और तुझे तो बस मेरी उम्र लग जाए। आप घर की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे और मैं छोटे भाई की तरह ऐश करूंगा, एक आजाद पंछी की तरह, है ना? आदित्य को अपना लिया, अपना बेटा मान लिया, मन से बहुत बड़ा बोझ मेरा उतर गया। कब तक आप यहां रहेंगे? चलिए ना अपने कमरे में। अब तो मेरे मजे ही मजे, क्योंकि अब आप घर की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे और मैं छोटे भाई की तरह ऐश करूंगा, एक आजाद पंछी की तरह। सच मोटा भाई, अब मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में आप हैं, है ना?